देखिए, इस वीडियो में देखने वाले हैं जो किरण की 11800 की बुक चल रही है, तो उसमें प्रतिशत चैप्टर चल रहा है। तो प्रतिशत चैप्टर की हमने इससे पहले चार टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलते हैं टाइप नंबर सीधा फाइव फाइव की तरफ। देखिए, फाइव में क्या कहा गया पहले क्वेश्चन में आपसे, ये आपसे पहले क्वेश्चन में कह रहे कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, ये दे रखा उन्होंने 75%, तो आपको 75% की फ्रैक्शन सभी को याद होगी कितनी होती है, 3/4। तो ये इतना खर्च करता है। देखिए, जो हमारे पास टोटल है, जो खर्च करता है ये कितना एक्सपेंडिचर करता है, इसका मतलब चार है ना टोटल, कह रहा ना अपनी आय का। तो इनकम कितनी है इसकी, टोटल इनकम है इसकी चार, तो उसमें से तीन खर्च करता है। देखिए, जो इनकम का और क्या नाम है, जो हमारे पास एक तो ये इनकम है, तो टोटल आय कह सकते हैं आप आई, और एक है एक्सपेंडिचर, और एक क्या रखा है इन्होंने, क्या नाम है, सेविंग। तो बहुत ध्यान से देखें हम, अगर इनकम हमारी टोटल कितनी है चार, इसमें से कितने खर्च कर देता है ये तीन। तो एक बात बताएं, जब ये तीन खर्च कर देता है तो सेविंग कितना कर रहा होगा, एक। ये तीन खर्च कर रहा होगा, एक का सेव कर रहा है, तो टोटल कितने बैठेंगे, तीन और एक चार। ये इनकम, ये खर्च, ये हमारा सेविंग। अब कहने देखें आय में कितने की वृद्धि हो जाती है, वो आप लिख लें। ऐसी आय में बता रहा है कि इसमें जो इनकम है उसमें कितने की हो जाती है, 20% की वृद्धि। तो 20 × 4 ये कितना हो जाएगा, 80। अब इधर आ जाएं देखें, अब इसने बताया कि खर्च में 10% की कर देता, तो ये रहा एक्सपेंडिचर, इसमें कितने की कर देता, 10% की। तो आप इसका 10% निकालेंगे कितना, 30। एक बात बताएं, ये अगर टोटल है हमारे पास 80 ये है, 30 ये है, तो यहाँ पे कितना बच रहा होगा, 80 में से 30 हटा दूं तो ये कितना बच रहा होगा, 50। अब ये 50 है और ऊपर सेविंग कितनी, एक, तो एक से डिवाइड कर देंगे तो आंसर बोल देंगे कितना, 50% की। ऐसा ऑप्शन नंबर सी दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें दो में आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत 21% की कमी होने पर कोई वस्तु 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक मिलती है। तो कह रहे हैं वस्तु का प्रति किलोग्राम कीमत ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन मतलब ऐसे काफी सारे इस टाइप में कवर किए गए हैं, कम से कम 5 या 6 सवाल इसी के जैसे आएंगे, तो एक आप ध्यान से समझ लें ताकि बार बार उसकी समस्या खत्म हो जाए। देखिए, कह रहा है 21% की कमी, तो आप 100% में 100 रुपए में निकाल दें 21% की कमी, परसेंटेज हटाओगे 21 ही निकाल दें बस ऐसी। तो जब आप 21 निकालोगे तो ये कितना आएगा, 21 ही आएगा। और इसमें कितने किलोग्राम कह रहा, 3 किलोग्राम अधिक मिलते हैं, तो यहां से 1 किलोग्राम का मान निकाल देंगे, 3 × 7 = 21। 1 का मान कितना आ गया, 7, तो मतलब पहले 7 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो कह रहा वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है, तो आपसे पूछ रहा कि कम की गई कीमत कितनी है, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कितनी। देखिए, यही वाली आ जाएगी, जो कम की गई वस्तु है कितनी, 7। अगर वो ये तो देखें आता न्यू प्राइस, ये तो कौन सा आता, न्यू। अगर ओल्ड वाला पूछ लेता तो ओल्ड भी निकाल देंगे, है कितना, 7, और 21 कम हुआ तो 100 में से यहाँ पे 21 घटा के लिख देते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए 100। लेकिन वो आपसे पूछा नहीं गया, आपसे न्यू पूछा गया, तो आप बता देंगे 7। ऐसा ऑप्शन नंबर दे रखा होगा, कौन सा, डी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन में आपसे क्या कह रहे हैं कि एक संख्या को एक्स परसेंट बढ़ाया जाता है। मान लेते कोई संख्या 100 है और इसको एक्स परसेंट बढ़ाएंगे, तो 100 प्लस कितना लिख देंगे, एक्स। तो कह रहा है वापस मूल संख्या में लाने में उसमें क्या घटाना होगा, तो मूल संख्या में लाना, देखना मैं जोड़ा तो एक्स कम करना होगा, तो करना कितना कम होगा हमें वो लिख लेंगे। तो हमें एक्स कम करना है, करना कहां से है, वो 100 + x से, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या जाएगा, 100। बस इसको कैलकुलेशन कर देंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और नीचे ऐसे रहेगा 100 + x, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख लें कौन सा दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक खाद्य तेल में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो अपने बजट को बनाए रखने के लिए इस उपभोग में 20% की कमी कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। देखिए, कह रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो आप 100 मान लें, 25% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 125/100। फिर कह रहे हैं कि 20% की कमी, तो लिख देंगे 80/100 कितना, 100। तो इसमें आप कैलकुलेशन कर देंगे, 100 से तो ये 100 कट जाएगा, 25 × 125 और 25 × 100, 4 से काट देंगे, 4 × 2 = 8 और 0, 5 × 2 कितना, 5 × 2 कितना, 10, 100%। देखिए, 100 से कंपेयर करेंगे तो 100 से ना ये कम ना ये ज्यादा, तो 100 में से 100 घट जाएगा, तो कितने परसेंट की होगी, तो आप बताएंगे 0,
और 0% का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 100 कुर्सियों का मूल्य दिया इन्होंने 2000, ठीक है 100 कुर्सियों का मूल्य दे दिया इन्होंने हमारे पास कितना 2000, तो आप ऐसे लिख लेंगे 2000 रुपए ये 100 कुर्सियों का मूल्य, तो 100 से भाग कर दूं तो एक कुर्सी का निकल के आ जाएगा। कह रहे प्रत्येक कुर्सी को 20% कम करने पर, तो 20% कम करने पर तो मतलब कितना 80 बटे में कितना 100 कर दे, तो कह रहे तब तथा कुर्सियों की संख्या में 30% की कमी हो गई। जो कुर्सियों की संख्या कितनी है निकालने पहले आप 20 से ये 20, 10 से ये 10, 10 से ये 10 कितना आ गया हमारे पास ये 16 आ गई, तो उसमें 30% की कमी हो गई, तो 30% की कमी हो गई तो कितना बचेगा बाकी 70, तो 70 इसमें कर देंगे गुणा आप, तो ये हो जाएगा 7×42 कितना हो जाएगा 1120। ऐसा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं देखें नेक्स्ट, इसके बाद चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि जो पहले कह रहे हैं 5%, देखिए 5% की आप फ्रैक्शन जानते हैं सभी कितनी हो जाएगी 1/20, मतलब यह है पहले प्राइस कितना था 20, तो 1 बढ़ जाएगा अब कितना हो जाएगा 21, फिर कह रहे 45 था और बढ़ के कितना हो गया 50, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 50। देखिए इसमें काट लें आपसे जितना आपसे इसमें हो रहा 5 से काट दें, 5×20 5 से कितनी बार 4 बार 5 से काट देंगे 5×45, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी इधर इसकी इधर, जब इसकी इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा 200, इसकी इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा 189, तो ये देखिए कितने परसेंट कम करी गई है, यहाँ से लिख देंगे 11, हुई कहाँ पे आ गई 200 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना 100, 20 से 20, 11 का आधा कर देंगे तो बोल देंगे 5.5%, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक चीनी के 30% बढ़ाए, तो मतलब चीनी के दाम को 30% बढ़ाया तथा वह 48 रुपए की हो गई, तो प्रति किलोग्राम चीनी का नया भाव आपको बताना कि नया भाव क्या होगा। देखिए एक किलोग्राम चीनी पर है 48 रुपए की वृद्धि हुई है, 30% बढ़ाया गया तो कितने की वृद्धि हुई है, कह रहे हैं 48 रुपए की वृद्धि हुई है, तो आप एक काम करें देखें इसमें 30% के बारे में क्या रखा है, तो एक काम करें इसमें आप 30% बराबर, जैसे 30% बढ़ाया तो वृद्धि कितनी हो गई 148, तो आप यहां से 100% का मान निकाल दें बस, तो 48 और बटे में कितना आ जाएगा 30 और गुणा में कितना 100, 10 से 10, 16×48 कितना आ जाने चाहिए 160। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 160 इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो 7 में देखें 100 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वो कह रहा ना 48 रुपए की वृद्धि हो गई, तो ये हमने 48 रुपए की वृद्धि की है इसमें। चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे देखें क्या कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में जैसे 30% बढ़ा रहे हैं तो बढ़कर वृद्धि का कितना हो जाता है 48, तो ऐसे लिख देंगे 48। अब एक काम करें आप यहां से 100% का मान निकाल दें, 10 से 10, 16×48 कितना आ जाएगा 160, लेकिन ये कब है जब 48 रुपए की वृद्धि हुई है, तो इसमें आप 48 और जोड़ दें तो अब पता चल जाएगा कि चीनी का नया दाम कितना 8 और 6×4 10, 10×0 एक इधर तो 208। ऐसा ऑप्शन देख लें 208 किसी ऑप्शन में दे रखा होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ऐसा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहे हैं, चीनी के मूल्य में 18% कम कर दिए जाते हैं, तो एक व्यक्ति को 4500 रुपए में, तो आप ऐसे लिख लेंगे पहले 4500 और इसका 18% जब आप निकालेंगे तो 18% निकाल देंगे, जितना आपसे कट रहा काट देंगे 20 से 20, गुणा कर देंगे आप 45 की कितने में करनी है 18 में, तो 45 की 18 में गुणा कर दें आप, गुणा करें देखिए 45 के 18 में गुणा करोगे तो कितना जाएगा 810, उनके हिसाब से कितने 62.2 किलोग्राम, तो यहां से 1 किलोग्राम का मान निकालना हो तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब 810 को डिवाइड कर देंगे कितना 16.2 से, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो, वैसे तो ये पूरा पूरा जा रहा है 9 से काट के देखते हैं, 9×81 20×20 9 से काट दें, 9×1 9 बचेंगे कितने 9×8 72, 9 से फिर से काट दें 9×1 9 0×0 और 9 से काट देंगे 9×2 18 और 2 से काट देंगे 50, तो कह देंगे जो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना निकल के आया 50, और 50 देखें नया मूल्य है, ये हमेशा कैसा मूल्य निकल के आएगा, न्यू मूल्य निकल के आएगा, 50 दे रखा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 में एक आ गया कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित और भाषा का अध्ययन है, विज्ञान के ही गणित का और भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो इनका रेशो दे दिया इन्होंने, कितना रेशो दिया इनका, ऐसे लिख देंगे आप 2:4 कितना दिया 9, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। देखिए अनुपात में आप करने के लिए चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, 0:0 भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसका परसेंटेज भी निकाल देंगे। देखिए काम करें, मैं इसमें अपने पास से 0:0 और यहाँ पे कितना मान लेता हूँ 0। अब कह रहे हैं यदि विज्ञान और गणित की भाषाओं में इतने इतने की वृद्धि हुई है, इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे, तो 10% की वृद्धि का मतलब कितना आएगा 2, तो जोड़ देंगे कितना आ गया 22, इसमें कर देंगे कितने की, उन्होंने बताया 20% की वृद्धि, 0 से 0 4 दूनी कितना आएगा 8, तो इसमें जोड़ देंगे ये कितना आ जाएगा 48। इसमें देखें कितने की कहा उसने, 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि का मतलब जब आप काटेंगे 9 चौक कितना जाएगा 36, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126। अब देख लें बस ये रेशो आप निकाल देंगे, काट देंगे 2 से काट दें, 2 से गया 11 बार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छीक 12 और 2 3 6, ऐसा ऑप्शन देख लें कोई से में दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, देखें ऑप्शन नंबर होगा डी, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखें 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता को इसकी कमी कितनी कमी करें ताकि परिवर्तन पर कोई भी खर्च ना पड़े, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसे। देखिए ये कह रहे हैं कि 100 रुपए थी पहले उसकी कीमत, और जब 18% बढ़ेगी तो अब कीमत कितना हो जाना चाहिए 118, तो वो यूं कह रहा है कि भैया इसे 118 को वहीं लेके आओ जहां पहले कितने पे था 100 पर, तो इसकी आप कर लें देखें कितना, जितना आपसे कैलकुलेशन हो रहा 100 से कितना कम करना 18, तो ये ऊपर करना कहां से 118 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना 100, बाकी तो कैलकुलेशन है 2 नीम 18 और 2 5 10 2 नीम 18, तो ये आ जाएगा कितना 900 और बटे में कितना आ जाएगा 50। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, देखें ऐसे कौन सा ऑप्शन आ रहा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 15.3%, 15.3 कौन से ऑप्शन में इसका, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर देखें 11 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसमें ये कह रहे हैं 11 में आपसे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति केवल में 8% के खर्च करना चाहता है, तो उसे खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, कि कितने, देखें वैसे चीनी का मूल्य कितना मान लें आप 100, जब 20% की वृद्धि करेंगे कितना 120, लेकिन वो कह रहा है कि कम खाना कर देगा वो, कि 8% की वृद्धि हो मतलब कितना बढ़े 108, तो यहां से यहां तक कितना कम करना पड़ेगा इसको, 120 से 108 आएगा तो कितना कम करना पड़ेगा 12, और करना कहां से पड़ेगा हमें, ये करना पड़ेगा 120 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना कर देंगे 100, 12 से 12 गया 10 से 10, तो 10% मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद देखें सीधी सी बात है, 100 था 120 हो गया, कह रहा खाना मैं कम कर दूंगा तो बस 120 नहीं बढ़ने चाहिए, कितने बढ़ने चाहिए 8, तो मतलब 108, तो 120 में से लड़के ने 108 करें तो कितने कम कर दिए 12, करे कहां से 120 से, परसेंटेज बनाने के लिए 100। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि की जाती है, ठीक है 18% की वृद्धि कर रहे हैं, तो वह अपने केवल खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है, कि बस केवल 12 क्यों, देखिए फिर से कितना मान लिया आप मूल्य 100 और 18% की वृद्धि है, तो यहां लिख देंगे कितना 118, लेकिन वो कह रहा मैं खाना कम कर दूंगा बस यहां 18 नहीं बढ़ना चाहिए, कितना 12% बढ़ना चाहिए, तो मतलब 112, तो यहां से यहां तक कितना कम करें 118 से 112 आ जाए, तो कितना कम करना पड़ेगा हमें 6, करना कहां से पड़ेगा 118 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना कर देंगे आप 100, परसेंटेज बनाने के लिए कितने की गुणा कर देंगे आप में इसमें 100 की, बाकी देखिए कैलकुलेशन है 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 5 10 और 2 नीम 18, तो ये आ जाएगा कितना 300 और बटे में कितना 59, 300 को 59 से डिवाइड कर लें क्वेश्चन नंबर 12 में, और 12 में देखें क्या आंसर आ जाएगा, ये लगभग 5.0% आएगा, तो बोल देंगे 5.1%, कितना हो जाएगा 5.1, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता, देखिए तीनों सवाल बिल्कुल सेम है, 22% की वृद्धि तो कितना कर दे 122, लेकिन कहता भैया वो खर्चे में कम कर देगा केवल बस 12% ही बढ़ना चाहिए, तो यहां से यहां इसने कितना कम कर दिया लड़के ने, ये 22 था 122 112 कर दिया, तो कितना कम करा इसने 10,
करा कहां से है लेकिन 122 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना 100, जितना भी कैलकुलेशन है कर देंगे, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, तो यह आ जाएगा 500 और बटे में कितना 61, डिवाइड कर दें। देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आई हमारे पास, 13 का ऑप्शन देख लें, कुछ ऑप्शन से हेल्प मिल जाएगी। तो लगभग जब आप काटोगे इसको 8.2 के आसपास आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में कह रहा है फिर से बिल्कुल सेम, चारों सवाल एक जैसे ही है जो भी बैक टू बैक गए बनाए। देखिए अपने आप सोचे क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर होगा, जरा करना ट्राई। बिल्कुल देखिए पहले की तरह, मान ले वस्तु का मूल्य कितना 100, तो ये 17% बढ़ गया, तो मूल्य कितना हो गया 117। लेकिन कह रहा खाना मैं खर्च कम कर दूंगा कुछ, बस 80% बढ़ाना चाहता हूं। कह रहा कि खर्च में केवल कितना 8% की थोड़ी, तो 8% है मतलब कितना होना चाहिए 108। तो यहां से यहां तक ये लड़का कितना कम करेगा, ये 7 और 2 कितना, 7 और 2 9, 9 कम करा इस लड़के ने, करा कहां से 117 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना कर देंगे आप, 100 से गुणा कर देंगे बस, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लगाएं इसकी और देखें क्या आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। ऑप्शन से हेल्प ले लें आप, लगभग कितना जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 7.7%, मतलब ऐसा ऑप्शन हो रहा होगा कोई सा, तो जो सा ऑप्शन है आप देखें कौन सा नंबर ऑप्शन आ रहा 7.7, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर आ रहा हमारे पास 15 में देखें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी 15, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं देखिए 15 की तरफ, कह रहे हैं कि एक चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि होने पर यदि कोई व्यक्ति केवल खर्च में 7% की वृद्धि करना चाहता है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। बिल्कुल सेम सवाल आए जितने भी ये 4-5 सवाल आए, फिर से कीमत कितनी मान ले 100, 17% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 117। लेकिन कह रहा मैं भैया खाना कम कर दूंगा, 117 मत करो बस, तुम 7% ही बढ़वाओ, तो अब मूल्य कितना देना पड़ेगा 107। तो 117 से 107 आना चाह रहा है, तो कितने की कमी करना चाह रहा है, ये 10 की कमी करना चाह रहा है, करना कहां से चाह रहा है 117 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना 100, ये डिवाइड तो देखें भैया करना पड़ेगा। आप डिवाइड करें क्वेश्चन नंबर 15 में और ऑप्शन की मदद लें, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे लगभग 8.5% के आसपास आएगा, और ऐसा ऑप्शन दे रखा सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहे हैं, चीनी की कीमत को 24% बढ़ा दी जाती है, खर्च में केवल 15% की वृद्धि हो, फिर से बिल्कुल सेम है सवाल, कितने परसेंट की वृद्धि कह रहे हैं 24%, तो मूल्य कितना हो जाएगा 124, खानी कम कर देगा भैया बस, कितनी बढ़नी चाहिए 124 नहीं 115 करवाओ तुम, तो यहां से यहां तक कितना कम कर रहा है ये बंदा, 9 कम कर रहा है, कर कहां से रहा 124 से, और परसेंटेज बनाने के लिए किसकी गुणा कर देंगे जी, काट देंगे आप भैया 4 से 4 3 12 और 4 से 4 1 4, 4 3 12 4 1 4, 4 से काट देंगे कितनी बार 25 बार, बाकी तो भैया गुणा कर लेंगे, 25 निम्मा 225 और बटे में कितना 31, डिवाइड कर ले क्वेश्चन नंबर 16 में और ऑप्शन की मदद ले लें आप, जब आप डिवाइड करेंगे पूरा का पूरा तो ये 7.285 के आसपास आ जाएगा, 7.2 के आसपास, तो मतलब 7.23 चलेगा, तो ये 7.3 बैठ जाएगा, और ऐसा ऑप्शन दे रखा कौन सा ए, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कह रहे हैं कि यदि चीनी के मूल्य में 14% की वृद्धि हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 16 तो ही हो गया, क्वेश्चन नंबर सॉरी 17, कह रहा है पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है जिससे केवल खर्चा 22% बढ़े, तो खपत कितनी कम करनी चाहिए, फिर से वही बात बिल्कुल सेम, 100 मान लें और बढ़ गई कीमत कितनी हो गई 128, लेकिन केवल खर्चा जो बढ़ना चाहिए 22, तो कितने होना चाहिए 122 होना चाहिए, कितना 122, तो 128 से 122 आऊंगा कितने कम हो जाएगा 6 होगा, कहां से 128 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितने से गुणा कर देंगे 2 से 2 3 6, 2 6 12 और 2 4 8 काट देंगे, और 2 से 2 से काट दें 2 3 6, 2 2 4, 2 से काट देंगे कितनी बार 50 बार, तो और काट दें 2 से 2 से काटेंगे कितनी 16 बार, और 2 से काट देंगे कितनी 25 बार, 25 3 कितना हो जाएगा 75 और बटे में कितना हो जाएगा 16, डिवाइड कर देंगे 4.7%, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 में देखें आपसे क्या कह रहे हैं, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, लेकिन फिर से वही खर्चा कम कर देगा बस 12% का लेके आना चाहता है, तो फिर से सेम काम कर देंगे 119% की बढ़ी है तो 119, लेकिन खर्चा कितना करना चाहता है बस 12%, तो 112, तो यहां से यहां तक कितना कम करना है, ये लड़का 7 कम करेगा,
करेगा कहां से 119 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बस भैया गुणा भाग लगाएं और कैलकुलेशन करें और देखें कैलकुलेशन करके क्या आंसर आ रहा। ये हो गया 700 और बटे में कितना 119। जब 700 को 119 से भाग करें, क्वेश्चन नंबर 18 में देखें तो आप भाग करेंगे लगभग ये कितने के आसपास आ जाएगा। काटें देखें, अगर कट रहा है तो 17 तो काट दें। ये कितनी बार पूरा पूरा आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 आएगा? देखिए अप्रोक्सीमेट के आसपास जो भी आ जाए लगभग इसे आप डिवाइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये 18 है ना, 18 में इसके अप्रोक्सीमेट कौन सा आना चाहिए? 6 के आसपास आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। भाई 17 से थे ना, तो लगभग बी इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। कह रहे हैं कि तेल की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, जिससे खर्चा कितना हो जाता, 8 से ही 1/3 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि किंतु इसकी खपत इतने परसेंट कम हो जाती है तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर ऐसा आ जाए 20% तो 20% में पहले 5 था, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो पहले 5 था तो 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6। अब 8 से ही 1/3 का मतलब कितना होता, 1/12। 8 से ही 1/3 का मतलब होता 1/12, मतलब पहले कीमत 12 थी, अब कह रहा कि कम हो गई तो 1 कम कर देंगे, 12 में से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 11। देखिए काट दें जितना आपसे कट रहा, 6 से काट देंगे, 6 × 2 = 12, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो गुणा कर देंगे 5 × 2 = 10, और इधर गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा 11। तो यहां से यहां तक कितना कम करना, 1 करना, कितने से 10 से बड़ी होगी। तो आप इसमें परसेंटेज बनाने के लिए सो ये काट देंगे, 10% की वृद्धि बोल देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा देखें 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें आपसे क्या कह रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा देखें 19 में आपसे क्या कह रहे हैं, सॉरी ये 19 ही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए 20 में कह रहे हैं एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है और तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों में 259.20 रुपए हो जाती है, तो दूसरे वर्ष में कीमत का 40% क्या होगा? भाई मान लेते हैं पहले वस्तु की कीमत कितनी होगी 100, जैसे 20% बढ़ी तो कितना हो गया होगा 124, फिर से 20 बढ़ी है तो कितना हो गया होगा 144, कितने साल बाद, तीसरे वर्ष में, फिर से बढ़ा देंगे तो ये कितनी बढ़ेगी 172 और पॉइंट कितना 8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 20% निकाल के ही करा। तो कह रहे दूसरे वर्ष के अंत में, तो जो दूसरा वर्ष का अंत है, दूसरा ये रहा और ये रहा भैया इधर 172, तो ये इससे कितना ज्यादा है? देखिए दूसरे वर्ष के अंत में पूछ रहा आपसे कि दूसरे वर्ष के अंत में, तो ये यहां से देखें दूसरा वंश, ये पहला था ये, तो यहां से पहला और दूसरा, तो ये देखें 172 है, तो आप ये देखें कि यहां से ये कितना ज्यादा, दोनों को जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जब जोड़ोगे आप तो 8 × 4 = 12, 2 = 259 और पॉइंट कितना कर देंगे 2, और बटे में कितना हुआ कहां से, तो ऊपर देखेंगे कितना आ जाएगा, ये कहां से हुआ है? तो ये आया कितने से हमारे पास, उसने दिया है कि कितने का 40%, 40% का मतलब 2/5 होता, लेकिन आप ये देखें कि 259 तो बढ़ा है, लेकिन हुआ कहां से होगा, ये 28.8 से, कितने से हुआ होगा 28.8 से, तो वो नीचे रख देंगे 28.8 और गुणा करा दें कितने की 120 की। अब इसका 40% है तो कितना निकाल देंगे 2/5 निकाल देंगे, कितना निकाल देंगे 2/5, कैलकुलेशन कर लें। ये आपको पता कैसे आया, इसी का फिर से निकाला ऐसे 20%, तो जब आप निकालोगे ना 144 और गुणा कितना 20 और बटे में कितना 100, 0 × 0 = 2 × 5 = 10 और 5 × 2 = 10, 4 × 5 = 40 और ऐसे ये ऐसे आया 28.5। बाकी तो इसकी एक लाइन में कैलकुलेशन कर दें आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट से तो आप पॉइंट काट देना और कैलकुलेशन लगाएं, इसका आंसर आना चाहिए। काट दें और 5 से या 2 से काट दें, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, फिर से काट दें 4 × 3 = 2 12 × 12 = 120, 12×12 = 144, 12 से काट के देख लीजिए, अगर कट रहा तो आपसे 12 से मैं काट दूं, 12 × 2 = 24, बचेगा कितना 1, 12 × 1 = 12 और 12 × 8 = 96, 12 × 6 = 72, तो ये कितना 6, 5 से काट देंगे 5 × 2 = 10, बस गुणा कर देंगे आप जितना भी है वो आंसर आ जाएगा। तो 6 × 2 = 12 तो मतलब कितना आ जाएगा 432, क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का देखना, चेक करना एक बार, क्वेश्चन नंबर 20 का 432 ही आ जाएगा, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है,
चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें 21 की तरफ। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मान लेते हैं देखें जो वस्तु का मूल्य है, फिर से इनिशियल वैल्यू नहीं पता हमें, मान लेते हैं कितनी 100, तो उसमें 25% की वृद्धि कर देंगे तो 125, और फिर कह रहे हैं 4% की कमी तो कितना लिख देंगे 96, और बटे में कितना कर देंगे 100, 100 से 100 काट देंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 24 चौक कितना 96, तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120, तो 100 में कितना ज्यादा आया ये 20, तो बोल देंगे 20% की क्या कर दी गई वृद्धि। एस ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहे हैं कि 2800 रुपए की जितनी मेज खरीद कर उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो 40% की मेज खरीदने पर, तो आपसे कह रहा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 40% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 2/5, मतलब 5 है तो कितना हो जाएगा 7, जो पहले प्राइस है, तो पहले प्राइस 5 था, तो अब कितना हो जाएगा मूल्य में 7% का हो गया। अच्छा क्वांटिटी में देखें, कह रहे हैं कि 20% की क्या हो रही है कमी, मतलब कह रहे हैं ना ये वाली लाइन 20% की कमी हो जाती है, 20% का मतलब कितना होता 1/5, तो मतलब पहले ये अगर हम बराबर करना चाहें ना क्वांटिटी का, तो ये रेशो बदल जाता, इधर 7 आ जाएगा, ये 5, जो प्राइस का वही क्वांटिटी में हो जाता। तो आप एक काम करें, देखिए कितने की है 7 से 5, तो कितने की कमी करेगा, हमारे हिसाब से उसने कहा 20 में जो की कमी हो जाती है, और हमारे हिसाब से कितने की हुई है 2 की, तो 2/20 के, तो 1 का मान कितने के आ जाएगा 10 के बराबर। तो वो आपसे पूछ के रहा है क्वेश्चन में, देखें पूछ रहा है कि 2800 का, तो एक काम करें ये पता लग गया हमें, तो अब एक काम करें टोटल कितने 2800, और 2800 को डिवाइड करें 1 का मूल्य कितने के 10 के बराबर, तो हमें निकाल देना 10 के हिसाब से जब आप इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास मूल्य कितना उसका 7, तो आप 7 का वैल्यू निकाल देंगे, मतलब 10 की गुणा 7 में करेंगे कितना जाएगा यहाँ से 70, तो 70 से इसको डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा, 0 से 0 काट देंगे इसको, इससे 7 चौक 28 और 1 0, तो बोल देंगे इसका मूल्य कितना है, तो आप बता देंगे भाई ये भी है ना, जैसे ये 5 के 1 का वैल्यू 10 के बराबर, तो 10 की गुणा करेंगे 10 की यहाँ भी, तो ये 70 आ गया, 70 के हिसाब से 800 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 40 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि उसके उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो देखिए 16 से 20% की वृद्धि कह रहे हैं, तो 20% की वृद्धि का मतलब कितना होगा, क्योंकि इस पर खर्च क्या होता है वो होता है एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्स्टेंट होता, 20% का मतलब आप सभी जानते हैं कितना जाता 1/5, कितना आएगा 1/5, मतलब पहले 5 थे तो अब एक ऊपर वाला बढ़ गया होगा 6, तो क्वांटिटी तो यही रहनी है पहली, तो इसको ऐसे पलट देंगे, तो आप ये देखें 6 से हुआ कितना 5, तो आप 1 हुआ कहां से 6, और परसेंटेज बनाने के लिए तो इसे आप डिवाइड कर देंगे 16 से 2/3, ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा हमारा ये 23 था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखें 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 24 में ये कह रहे हैं आपसे कि एक वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि हो जाती है, और बता रहे हैं कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में, क्वेश्चन नंबर है ये हमारे 24, तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत 52 पॉइंट है 50 रुपए, तो पहले वर्ष की समाप्ति पर कितना होगा, तो फिर से वही बात, पहले वस्तु का मूल्य मान लें कितना 100, 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 105, फिर से 5 बढ़ेगा तो ऐसे लिख देंगे 105 गुणा 105 और बटे में कितना 100, कैलकुलेशन कर दें तो हमारे हिसाब से देखिए कितना बैठ जाएगा, जितना आपसे हो रहा देखिए कर लें, एक काम करें इनके हिसाब से कितना बढ़ रहा है, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लें आप, तो मैं इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा 105 की 105 में, तो ये आ जाएगा कितना 105 की 105 में, और 10 से डिवाइड कर दो तो 110 पॉइंट कितना आ जाएगा 25। अब देखिए ये जो हमारे पास से इतने का मान है, ये 1 का मान दे रखा है, तो एक काम करें आप यहाँ से हमारे हिसाब से कितना बढ़ा 105 है और 110.25 हो गया, तो कितना बढ़ गया हमारे हिसाब से 5.25, लेकिन जो क्वेश्चन में बढ़ा वो कितना बढ़ा 52.50, तो आप यहां से निकाल दें 1 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 10 के बराबर, 1 का वैल्यू कितने के बराबर 10, तो 10 की आप इसके अंदर गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 1000 रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा देख लें ऑप्शन नंबर 24 में कौन सा दे रखा, ऐसा दे रखा ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में आपसे क्या कह रहे हैं, यदि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आने पर x परसेंट की वृद्धि हो जाती है, तो यदि राजस्व में 25% की वृद्धि हो जाए तो आपसे पूछ रहा है कि बताएं उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए 25% की वृद्धि का मतलब आप सभी जानते हैं, 25 बटे कितना 100, मतलब 1 बटा कितना जाएगा 4। तो इसको ऐसे लिख देंगे, पहले 4 और यहाँ पे कितना 5, जब भी ऐसे वृद्धि हो जाए। कह रहा 20% की कमी, तो 20% का मतलब कितना होता, 1 बटे कितना 5, तो पहले मतलब 5 था तो अब कितना हो जाएगा 4। बस आप डायरेक्ट इनकी गुणा कर देंगे, इसकी इसमें कर देंगे तो 4 चौक 16, इसकी इसमें कर देंगे 5 पंजे 25, तो 16 से 25 हो गया कितना 9, हुआ कहां से 16 से, और परसेंटेज बनाने के लिए 100, 4 चौक 16, 4 से काट देंगे 25 बार, और कितना हुआ 25 निम्मा 225, और बटे में कितना कर देंगे 4, या डिवाइड कर देंगे इसे 4 से। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंजे 20, 2 इधर 4 छिक 24, तो 56.25 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26। अरे एक राजस्व में 20% की कमी की जाती है, खपत में 15% की, तो पूछ रहे हैं राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो आपसे राजस्व में पूछा गया कि कितने परसेंट की कमी आएगी, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से कह रहे हैं कि वस्तु में फिर से कितने की कमी, मान लेते 100, पहले 20% की तो कितना 120, सॉरी कमी है तो कर देंगे कितना 80 बटे में कितना 100, फिर कह रहे हैं 15% की वृद्धि तो 115 बटे में कितना 100, 100 से 100 काट देंगे, 10 से 10, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 5 × 10, 2 × 4 = 8, तो 3 × 4 = 12, 1 × 4 = 8 और 1 = 9, तो ये हमारे पास 92 आ गया। तो कितने की कमी आई, 100 में 8, तो बोल देंगे 8% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन देख लें 26 में ऐसा दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 26 का 8 आना चाहिए, तो 8 ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा हमारे पास, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या कह रहे हैं, एक मोटरसाइकिल का मूल्य दिया इन्होंने कितना डायरेक्ट, ये तो 5500। अब देखिए कह रहे हैं इसमें 17% की कमी, तो कितना कर देंगे 83 और बटे में कितना 100, 20 से 20 गुणा ही करनी है, 62665 इसका, ऐसा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या कह रहे हैं, चावल के मूल्य में 25% की कमी आने पर एक व्यक्ति 30 रुपए अधिक किलोग्राम चावल खरीद पाता है, यदि मूल्य चावल का 5400 रुपए हो तो चावल का वास्तविक मूल्य बताएं। देखें ऐसे क्वेश्चन अभी पहले भी आए थे, तो आप 5400 का पहले निकाल देंगे ऐसी 25, जब आप 25% निकालेंगे तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 4 से इसको काट देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 20 और 1 = 0, तो कितना आया मूल्य 1350 रुपए आया। 1350 रुपए में कितने किलोग्राम कह रहे हैं, 30 किलोग्राम अधिक मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से 1 किलोग्राम का मान निकाल देंगे, तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 3 से डिवाइड कर दें, 3 × 4 = 12, 1 × 3 = 15, तो ये तो कौन सा प्राइस आता है, ये इससे न्यू प्राइस आ जाएगा। जब हमें ओल्ड प्राइस निकालना है कि वास्तविक मूल्य क्या है, तो ऊपर तो ऐसे लिख देंगे 45, 25% की कमी है तो घटा देंगे कितना 75 और गुणा कितना 100, 25 × 3 = 75 और 25 चौका 100, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और 15 × 4 = 60, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में फिर से क्या कह रहे हैं, 25% कम हो जाते हैं तो 30 रुपए, क्वेश्चन नंबर 29, 25% की कटौती करने पर एक मूल्य में उसकी पूर्व मूल्य के वापस लाने के लिए कितने परसेंट की वो करनी पड़ेगी। देखिए 25% की आप सभी फ्रैक्शन जानते हैं कितनी आएगी, 1/4, मतलब 4 था तो कमी हो गई, तो अब कितनी हो गई 3, तो हमें 3 से यहां लानी है कितना 1 और कांधे से लानी है 3 से और गुणा कितना 100, तो भाग कर देंगे 33 से ही 1/3%, ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा कौन सा, बी, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते देखे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में आपसे ये कह रहे हैं कि एक वस्तु में 25% की कटौती की गई, सॉरी ये तो 29 अभी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसकी तरफ, 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि जो उसका खर्च है वो पहले के जितना ही रहे। तो फिर से वही बात मैंने आपको बताया था, 20% की आप फ्रैक्शन कर देंगे, 20% की फ्रैक्शन आराम से आ जाएगी, कितना आ जाएगा 20 और बटे में कितना 100, आप सभी जानते कितना आएगा 1/5, मतलब पहले 5 था तो 5 में 1 जोड़ देंगे कितना 6,
और इसको पलट देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या नाम है कॉन्स्टेंट होता है, तो इधर लिख देंगे 5। बस ये कितना करना है इससे यहाँ पे 1 और करना कहाँ था कि 6, तो गुणा कितना 100। तो आप कर रहे हो, कह रहे कि उससे पहले खर्च पे पहले जितना रहे, तो हमें 1 कम करना पड़ेगा, करना कहाँ से पड़ेगा 6 से, और परसेंटेज बनाने के लिए कितना 100, इसको भाग कर देंगे 2 × 3 = 6 और 2 से काट देंगे 50, तो बोल देंगे 16 सही 2/3, मतलब सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया। चलते हैं देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा कि एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की, तो आप फिर से देखिए वस्तु का मूल्य कितना मान लें 100, और कह रहे हैं कि 10% की वृद्धि, तो लिख देंगे 110 बटे में कितना 100। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में 2.5% की कमी, तो घटा देंगे ये कितना आ जाएगा 97.5, 2.5% की कमी करने पर और बटे में कितना 100, बस इसकी कैलकुलेशन लगाएंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, और ये काट देंगे आप 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो, 5 से काट देंगे आप 5 × 1 = 5, 4 × 5 = 45, 2 × 5 = 25, 5 × 5 = 10, 0 × 0 = 5, 24 = 20, 5 × 5 = 15, 4 × 5 = 45। अब बस गुणा कर लेंगे और उससे 4 से भाग करेंगे, जब आप इसकी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 149, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 149, और बटे में कितना 4, 4 से आप डिवाइड करना जरा, 4 × 3 = 12। कुछ देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 31 को, पहले कितना कह रहे हैं 100, और कह रहे हैं 10% की, कह रहे हैं इसमें 10% की वृद्धि है, तो 110 और बटे में कितना 100। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में बिक्री करते समय 2.5 की कमी आ गई, तो अब कितना हो गया 97.5 और बटे में कितना 100, पॉइंट हटाएंगे एक नीचे 0, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 × 0 से 1 × 0 कैंसिल आउट, 5 × 5 = 10, 0 × 0 5 से काट देंगी, 5 × 1 = 5, 4 × 5 = 45, 2 × 5 = 25, 5 से फिर से काट देंगे 5 × 4 = 20, 5 से काट देंगे 5 × 3 = 15, बचेंगे कितना 4, 5 × 45, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 39 × 11, तो आप 39 × 11 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 429। तो 429 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, 4 × 4 = 40, बचेगा कितना 2, 4 × 7 = 28, और बचेंगे कितने हमारे पास 4 × 7 = 28, बचेगा कितना 1, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, तो ये 100 से कितना ज्यादा आया, तो 100 से आया 7.25% ज्यादा, तो इतने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, 100 से ज्यादा आता है तो वृद्धि और कम आएगा तो क्या बोल देंगे कमी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, कह रहे हैं कि एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण इसके उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए, 20% की क्या कर रहे हैं, देखिए कमी कर रहे हैं, मान लें 20% का फ्रैक्शन आप निकालेंगे कितना आएगा 1/5, कमी कर रहे हैं तो पहले कितना था 5 और 1 कितना हो गया 4, तो ये करना कितना 1 और करना कहां से आपको ये 5 से, और गुणा कितना कर देंगे 100, तो इसका 20 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अब आपको एक बार में देखते बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते चलते 33 की तरफ, 33 में कह रहे हैं कि जब एक घड़ी का मूल्य 20% घटता है तो घड़ी बिक्री में 40% बढ़ जाता है, तो बिक्री प्रतिशत आपको बताना कि बिक्री प्रतिशत कितना है। देखिए पहले कितना बढ़ रहा, पहले 20% घटती है, फिर 40% हो जाती है, तो अब प्रतिशत में आपसे प्रभाव पूछ रहा कितना। फिर से देखिए 100 मूल्य है, 20% की कमी है, तो 20% का मतलब कितना 80/100, फिर से कर देंगे नीचे 40% बढ़ जाता है 140/100 कितना 100, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इसकी इसमें गुणा कर देंगे 8 × 4 = 32, 3 × 8 = 8 और 3 = 11, 100 से कितना ज्यादा आया 12, तो बोल देंगे 12% की वृद्धि, ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा ए, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 34 चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, कह रहे हैं कि 20% की कमी हो जाती है और खपत में फिर 15% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो पहले बता रहे हैं कितने परसेंट की, आप ऐसे लिख देंगे 20% की, तो 100 में से 20 जाएगा कितना 80/100, फिर कह रहे हैं 15% की वृद्धि, तो 115 और बटे में कितना 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 2 से काट दें 2 × 8 और 2 × 2 = 10, 5 से काट देंगे 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, गुणा कर देंगे
चार तिया 12, एक इधर, चार दुनी 8 और एक 9, तो 100 से कितना कम रह गया ये 8, तो बोल देंगे 8% की कमी। क्या बोलेंगे? 8% की कमी। कम रह जाए 100 से, कमी अधिक हो जाए तो अधिक वृद्धि का होगा। तो इसमें 34 में देखें ऐसा दे रखा है, 8% की कमी, मतलब ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते देखें क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कह रहे हैं कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि, तो मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100 है, 8% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना? 108। फिर से कह रहे हैं 8% की कमी, तो जब 108 में 8% की कमी निकालोगे तो 8.6%, तो इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 8.6% का 108.64। तो ये यहां से यहां तक कितना बड़ा? 0.64, तो बोल देंगे 0.6% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा हमारे पास 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे ये कह रहा है एक पेन की कीमत पहले 15% बढ़ाई जाती है, पहले 15% बढ़ाई जा रही है, तो आप फिर से मान ले 100 और 100 में कितना है? 15% की वृद्धि 115, और फिर कह रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में 20% की कमी, तो कितना? 80 बटे में कितना? 100। ये काट देंगे भैया, 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 से 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 1 इधर, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो इससे कितना कम रह गया 100 से ये 8, तो बोल देंगे 8% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, 8% की कमी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखें 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहे हैं? एक वस्तु का पहले 14% क्या कर दिया जाता है? कम। फिर इसकी खपत को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा? तो फिर से आप कर देंगे 100, 14% कम हो जाता है, तो 100 में से 14 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 86, और बटे में कितना? 100। फिर कह रहे 10% बढ़ जाता है तो 110 बटे में कितना? 100। ये इससे काट देंगे, 1 0 से ये 1 0 गुणा कर लेंगे आप, जब 86 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो ये 6 8 6 8, तो 6 8 और 6 कितना हो जाएगा? ये 8 और 6 14, 1 इधर, 8 और 1 9, तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास जब आप गुणा करेंगे 9 4 6, और बटे में कितना? 10, तो ये आ जाएगा 94.6। अब 100 से ये कितना कम रह गया आप ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 37 है, 100 से कितना कम रह गया? 5.4 कम रह गया 100 में से जब घटाओगे, तो बोल देंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, 5.3% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें 38 में आपसे क्या कह रहे हैं? एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 रुपए, इसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसका जो मूल्य दिया है इन्होंने हमें, वो कितना दे रखा है? इसका मूल्य हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास कौन सा? 38। देखिए भैया 38 में कैसे करेंगे, बोर्ड पर देखिए फिर से एक बार ध्यान से, 38 में ये कितना दे रखा है इन्होंने? 75,500, तो ऐसे लिख लेंगे 75,500, और इसमें कितने की कमी है? 17% की, तो बचेगा कितना? 83, और बटे में कितना? 100। कैलकुलेशन कर देंगे, 20 से 20 बचेगा कौन सा? 665 और कितना? 625। ऐसा ऑप्शन देख लें कौन सा होगा, सी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 39 की तरफ। 39 में कह रहे हैं फिर से कि एक वस्तु में पहले 25% बढ़ा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि उसमें 30% की कमी, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में पूछ रहे कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा। तो चलते हैं देखिए फिर से, मान लेंगे आप वस्तु का मूल्य, मैंने बताया इनिशियल वैल्यू 100 मान के चलेंगे, 25% की वृद्धि है तो 125 बटे में कितना? 100। 30% की कमी है तो कितना? 70 बटे में कितना? 100। 20 से 20, 25 पंजे 125, 25 चौका कितना? 100। 2 से काट देंगे, 2 दुनी 4, और 2 से काट देंगे कितना? 35। 5 पंजे 25, बचेगा कितना? 2। 5 तिया 15 और 2 17 बटे में कितना? 2। 2 से भाग कर देंगे आप, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, तो 87.5। तो कितना कम रह गया ये 100 से? 12, तो बोल देंगे 12.5% की क्या हो जाएगी? कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चल रहे हैं अपना 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में कह रहे हैं एक नमक की कीमत में 15% की कमी। मैंने फिर से बताया था आपको 272 है, इसमें 15% की कमी है, तो आप बस 15% देख लें, 15% कितना आएगा? आप काट देंगे इसे, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 की 0, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, 4 से काट देंगे, 4 छिक 24, बचेंगे कितने हमारे पास? 3, और 4 अट्ठे 32, तो आप गुणा कर देंगे, 8 तिया कितना आ गया? 24, और बचेगा 2, 6 तिया 18 और 2 कितना? 20, और बटे में कितना? 5, तो ये हमारे पास इतना रुपया आ गया। इसमें कितने किलोग्राम मिल रहा? 2,
तो यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे 204 बटे में 5 और गुणा कितना 2। तो जब आप डिवाइड करेंगे 2 से कितना जाएगा 104। उसने कौन सा पूछा, कम घटी हुई, 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 और कितना 0 और 5 से काट देंगे 5 40 5 अट्ठे 40, तो लगभग ये आना चाहिए 20 पॉइंट आसपास के आसपास। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा, ए, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना फिर से 42 की तरफ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करें, 20% की कमी होने के कारण एक ग्राहक को 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक मिलते हैं। तो बहुत ध्यान से देखें, मैंने बताया आपको ऐसी लिखेंगे 360, 20% कम है तो 20 ऐसी लिख देंगे और 20 से 20 36 दूनी कितना आ जाएगा 72, 72 में कितने मिलते हैं 2, तो यहां से 1 किलोग्राम कितने में आएंगे 36, 2 से काट देंगे 36। तो कह रहा वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, ये तो कौन सा आता, न्यू वाला, आपसे ओल्ड वाला पूछ रहा, तो ओल्ड वाला निकाल देंगे, है तो कितना 36, 20 कम कर देंगे तो कितना 80 और कितना 100, भाई 20% की कमी थी तो नीचे रख देंगे 10 से 10 काट देंगे जितना आपसे कट रहा है। मैं काट देता हूँ 4 से 4 दुनी 8, 4 निम 36, 2 से काट दे 2 पंजे 10, 5 निम 45, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा 43 की तरफ। कह रहे फिर से देखें सेम क्वेश्चन है ये, 80 रुपए में 20% की कमी है तो 20% हटा दें आप तो कितना आएगा 8 दुनी 16, 16 रुपए में बता रहा है कि कितने 6 केले अधिक आते हैं, कितने आते हैं 6 केले, तो वो पूछ रहा कि नया बताएं कि नया मान कितना होगा। तो 16 रुपए में कितने आ रहे हैं हमारे पास से, इसका मतलब 6, और उसने पूछा कि प्रति दर्जन, तो 6 केले कितने के हैं हमारे पास 16 के, तो 12 केले कितने के हो जाएंगे 16 दुनी 32 के, तो आपसे नया ईमान पूछा तो नया ईमान आ जाएगा न्यू कितना 32, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में कह रहे कि गेहूं की कीमत में 15% की, तो आप फिर से ऐसी कीमत लिख लेंगे कितनी है इसकी 27 20, 15% है तो आप इसका 15% पहले निकाल देंगे, 10 से 10 5 थी 15 और 5 दुनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छिक 12, 6 तिया 18, 1 इधर 3 तिया 9 और 1 कितना 10, 1 इधर 3 एकम 3 और 1 कितना 4, कितना हो गया 408, 408 रुपए में कितने मिल रहे हैं 6 किलोग्राम, तो घटी हुई कीमत है 1 किलोग्राम का मान निकाल देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 छंग 36 और 6 8 48, 68 रुपए आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 में क्या क्या रखा आपसे, बिल्कुल फिर से सेम सवाल है, आप ऐसे लिखेंगे 450 और 20% की कमी है तो 20 बटे में 100 और इसके आप काट देंगे जब यहां से तो कितना आएगा ये 90, तो 90 में कितने मिल रहे हैं 50, तो आपसे पूछ रहे हैं कि चावल का मूल मूल्य बताना, तो यहां से आप एक का मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा 90 बटे में कितना 50, काट देंगे इसको तो है कितना, यहां तो लिख लेंगे 90 9 बटे 5 है, कहां से 20 कम है तो नीचे कितना 80 और यहां गुणा कर देंगे 100, अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, 9 गुणा 1 और बटे में कितना 5 गुणा 80 और गुणा में कितना कर देंगे 100, तो 10 से तो 10 काट देंगे, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 बचेगा कितना हमारे पास 1.4 दुनी 8, तो 2.25 ऐसा ऑप्शन देखें 2.25 क्वेश्चन नंबर 45 का, 2.25 कौन से ऑप्शन में, ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चाहिए कौन सा पूछ रहा था इसका बाद हमसे, इस बार ओल्ड पूछा था, ये कौन सा था, ये न्यू था। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहे हैं कि सेब की कीमत में 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी, तो आपसे पूछ रहे कि शुद्ध बताएं कितने परसेंट की हुई है, तो आप फिर से ऐसे ही कर देंगे 20% की कमी है, मतलब आप ऐसे लिखेंगे 20% की कमी कह रहा, तो 100 में 20% की कमी वृद्धि का मतलब 120 और बटे में कितना 100, फिर कह रहे 20% की कमी तो फिर से लिख देंगे कितना 80 और बटे में कितना 100, 0 से 0, 20 से 20, 12 अट्ठे 96, 100 से कितना कम रहेगा 4, तो बोल देंगे 4% की कमी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखें इसके बाद 46 के बाद क्वेश्चन नंबर आ रहा है 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहे हैं, पेट्रोल की कीमत 28% उपभोक्ता में प्रतिशत की कमी आई तो 2 दशमलव तक आपको बताना कि कितना, देखिए 100 की वैल्यू है और कितनी हो गई 28, तो ऐसे लिख देंगे 128, तो इसको बदल जाता क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगी, इसको ऐसे लिख देंगे 100, तो ये इससे कितना कम करना चाहता 28, करेगा कहाँ से 128, क्योंकि ये कह रहा ना कितने जो उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी, भाई कितने की करनी 28 की, तो नीचे लिख देंगे कहां से 128 से हुई है और गुणा कितना कर देंगे 100,
कैलकुलेशन कर देंगे आपसे जितना कट रहा है, 4 दुनी 8, 4 3 12, 4 दुनी 8, 4 से कितनी बार, 25 बार, 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 7 28, बस गुणा कर देंगे ऊपर कितना 700 और बटे में कितना आ जाएगा 8, जितना भी आप कैलकुलेशन कर लें जितना आपसे कट रहा तो लगभग ये आ जाना चाहिए डी ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 20.25। कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ रहा हमारा, ये था 47 के बाद क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अपना 48 पे। क्वेश्चन नंबर आ रहा 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहे हैं, देखिए फिर से वही बात, 200 रुपए में 25% की वृद्धि है, तो लिख देंगे 125, बस केवल 25% देख दें 200 में, देखिए चाहे कमी कहें चाहे वृद्धि कहें, बस आप डायरेक्ट वही निकाल देंगे, तो आप जीरो से दियो कितना आ जाएगा यहां से 50, 50 रुपए में कितने किलोग्राम कम प्याज मिलती है, बता रहे 5 किलोग्राम, तो यहां से 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा तो न्यू ही आ जाएगा 10। देखिए कौन सा है ऑप्शन 10 क्वेश्चन नंबर 48 में, उसमें ऑप्शन दे रखा होगा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से, फिर से वही बात सेम क्वेश्चन है ये भी, 140 रुपए में 30% की कमी, तो आप 30% देख लें, 30% यहां से कितना आएगा 14 3 42, तो इसमें कितने रुपए मिलते हैं 5, तो यहां लिख देंगे 5, तो आप सेव की घटी हुई कीमत पूछ रहा है, तो आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे 5 से, जब आप 5 से डिवाइड करेंगे 5 8 40 और 5 4 20, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा।